हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड को मेडिकल लैंग्वेज में डॉपलर स्कैन भी बोला जाता है और ये एक तरह का कलरफुल स्कैन होता है जिसमें दिखाई देने वाली पिक्चर्स रंगीन और 3D फॉर्मेट में होती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड को कराना उतना ही जरूरी होता है जितना कि बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए भोजन कराना। और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि 20 सप्ताह के बाद में किया जाता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में बच्चे के शरीर के हर भाग में होने वाले खून के प्रवाह को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स के द्वारा किया जाता है और इस अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे की इमेज होती है वो कलर में दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि कलर डॉपलर में क्या जांच की जाती है। इसमें बच्चे के शरीर में होने वाले खून के प्रवाह की दर सही है या नहीं उसको देखा जाता है और बच्चे के शरीर में होने वाले खून के प्रवाह की दिशा सही है या फिर नहीं उसको भी देखा जाता है और बच्चे का डेवलपमेंट की जो दर होती है उसको भी देखा जाता है और साथ ही बच्चे को जो माँ से पोषक तत्व पहुँचते हैं उनको भी देखा जाता है कि वो सही से जा रहे हैं या फिर नहीं और प्लासेंटा में पहुंचने वाले खून के प्रभाव को भी देखा जाता है और बच्चे के हार्ट में और ब्रेन में पहुंचने वाले खून के प्रभाव को भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में क्यों करवाया जाता है। तो ये उन महिलाओं को बोला जाता है जिनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई रिस्क होती है, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस है या फिर उससे ज्यादा बेबी है या फिर आपका बेबी रेसिस एंटीबॉडी से प्रभावित है। अगर प्रेगनेंसी में बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा हो या फिर आपकी पहली प्रेगनेंसी में जो बच्चे का आकार था वो छोटा रहा हो या फिर आपका पहले कभी मिसकैरेज हुआ हो या फिर आपकी डिलीवरी के बाद में आपका बेबी नहीं रहा हो एंड इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज या फिर डायबिटीज की शिकायत हो या फिर आपका प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, तो ऐसी परेशानियां होने पर महिला को कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है ताकि इन सब परेशानियों का असर अगर बच्चे के मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट पे हो रहा हो तो समय से पहले पता लगाया जा सके। अब हम आपको क्लियर करते हैं कि कलर डॉपलर में किन प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है। तो इसमें बच्चे का वजन कम होना एंड बच्चे का डेवलपमेंट बराबर नहीं होना और बच्चे के किसी अंग का छोटा बड़ा होना और बच्चे का कोई भी अंग अच्छे से डेवलप नहीं होना, इन सारी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। आपको कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले क्या तैयारी रखनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अपना आईडी प्रूफ लेके जरूर जाएं और उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाएं एंड एक पेन लेके जाएं एंड आप जाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पी के जाएं। इससे बच्चे की मूवमेंट अच्छी होगी और अल्ट्रासाउंड अच्छे से हो पाएगा और आप ढीले कपड़े पहन के जाएं एंड मास्क लगा के जाएं जिससे कि स्कैन कराने में आसानी रहे और आपको जाने से पहले 2 घंटे पहले से ही कुछ नहीं खाना है और अगर आप स्मोकिंग वगैरह भी करती हैं तो वो भी ना करें, नहीं तो ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल गलत परिणाम दे सकता है। और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड को करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है और इस अल्ट्रासाउंड को करने से पहले महिला को लिटा दिया जाता है एंड उसके पेट पर जेल लगाया जाता है और उसके ऊपर ट्रांसड्यूसर को घुमाया जाता है जिससे डॉक्टर के पास रखे मॉनिटर में बच्चे की इमेज दिखाई देती है और डॉक्टर आसानी से बच्चे की जांच करते हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस व्यक्ति को इस टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छे से समझ हो और ये अल्ट्रासाउंड आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से रिस्की नहीं होता है। आप इसको बहुत ही आराम से करवा सकती हैं क्योंकि आज के टाइम पर लगभग हर प्रेगनेंसी में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर जरूर सजेस्ट करते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है तो आप इसको करवाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।